एंड इसका प्राइस जो है वो है कितने का करूंगा 30-32 लाख रुपए का जैकेट है ये, देख लो एक बार। Hey guys, good morning. Welcome back to a new vlog. क्या हाल चाल है आप लोगों के? होप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। अभी मैं एक होटल रूम में हूँ, वो है लोकेश का, एंड ये कहाँ है मैं दिखाता हूँ आपको। चलो आ जाओ बाहर चलते हैं। एंड ये देखो भाई, पूरी की पूरी एक प्राइवेट बालकनी है इतनी बड़ी यहाँ पर, और हम लोग हैं अभी बुर्ज खलीफा के अंदर, देख सकते हो पीछे। तो ये बुर्ज खलीफा के अंदर अरमानी का होटल है जहाँ पर लोकेश ने अपना रूम बुक करवाया है, एंड देख सकते हो पीछे क्या ही मस्त मिरर विरर लगे हुए हैं, और यहाँ से पूरा का पूरा जो बुर्ज खलीफे के सामने व्यू है, फाउंटेन वगैरह जो भी शो चलता है वो सब दिखता है यहाँ से, पूरा व्यू है मस्त वाला एकदम। तो रात में यहीं रुके थे और रात में थोड़ा लेट हो गए थे, शायद मेरे वाले फ्लैट में ना लाइट का सीन हो गया था, वाईफाई का सीन हो गया था, तो यहीं आ गए थे हम लोग, और फिर यहीं से मैंने एडिट की, यहीं से मैंने अपलोड की। तो देखो जरा एक बार क्या ही मस्त व्यू है, अभी अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि भाई कैसा है ये होटल रूम। तो वैसे ऐसा कुछ रूम है, ठीक है, वहाँ लोकेश सोया था, यहाँ मैं, एक ही रूम है इसमें, और ऐसी कुछ दीवार विवार है, और यहाँ से पर बालकनी है, यहाँ पर एक टैबलेट है जहाँ से हम कुछ भी ऑर्डर वॉर्डर कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, एक मिरर टाइप है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड फिर यहाँ लैम्प वैम्प, यहाँ बैठने के लिए मस्त एकदम, के लिए यहाँ पर वॉशरूम है यहाँ जाके, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काउच वाउच है, टीवी लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक डाइनिंग टेबल छोटा सा, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो मस्त वाला खाते खाते, और बस कुछ ऐसा ही है, देख लो भाई। और ये वाला तो पता नहीं क्या है, मिरर देख लो, फोटो लेनी चाहिए यहाँ पर मेरे को। तो गैस बस यही है, अभी गैस यहाँ से निकलेंगे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कल भी अच्छे से खाया नहीं था, तो हम लोग जाएंगे कहीं अच्छे से इंडियन रेस्टोरेंट में, एंड वहाँ खाना खाएंगे, आपको दिखाते हैं यहाँ का खाना कैसा है, इंडियन खाना कैसा है यहाँ का। तो चलो चलते गैस, अभी हम लोग आए कुछ खाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया भी था रेस्टोरेंट में हम लोग खाने के लिए आए, ऑर्डर दे दिया है, अब खाने का वेट कर रहे हैं जैसे आएगा, और खाएंगे बुर्ज खलीफा के अंदर हमारा लंच, और पीछे का व्यू देखो मस्त वाला व्यू है, देखते खाना कैसा होगा। तो गाइज अभी अपना खाना वाना हो चुका है, एंडिंग में डेजर्ट लिया था थोड़ा बहुत, ये भी खा लिया, फ्राइज वाइज बची है, ये तो अब कोई नहीं खा पाएगा, इसका भी पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, खाना वाना खा लिया, अब हम लोग निकलेंगे फ्लैट में हमारे वाले में, जो मैंने आपको कल दिखाया था, सारा सामान वहीं पे है, और कल वाली अभी यही टी शर्ट लेके घूम रहा हूँ, तो चेंज वेंज करेंगे थोड़ा और बाहर जाएंगे। तो गाइज अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, और बड़ा मजा आया भाई बुर्ज खलीफा में रह के एक रात, पूरा मजेदार बेड एकदम मस्त था, सो नींद मस्त आई एकदम, लेकिन काम वाम करने के बाद यार इतना काम करना पड़ा खुद से एडिट वेडिट करके। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से अपने वाले फ्लैट पे, तो बाय बाय बोलते हैं बुर्ज खलीफा के होटल रूम को। तो अभी हम लोग आ रहे हैं, गीले वीले होके दिख ही रहा होगा आपको, तो अभी हम लोग गए थे पूल में, और पूल में गए एंड बस अब पूल से आके ना एकदम मस्त नहा के फिर से जाएंगे, नहाएंगे अच्छे से एकदम साफ हो जाएंगे, क्योंकि पूल का पानी तो ऑब्वियसली यार साफ नहीं होता। तो अब जाएंगे नहाएंगे मस्त तरीके से, एंड उसके बाद में जाना है दुबई मॉल। तो भाई लोग अभी मस्त तरीके से रेडी हो चुके हैं, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया अभी था, आज हम लोग जाने वाले हैं दुबई मॉल, और रुको एक मिनट, हाँ अभी सही है, तो हम लोग जाने वाले हैं दुबई मॉल। भाई यहाँ से फ़ोन गिर गया ना अगर, तो भाई फ़ोन के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे, चीथड़े चीथड़े, देखो इतना ऊँचाई पर मैं, यहाँ से गलती से भी छूट गया तो भाई ख़त्म। और पीछे आप लोग व्यू देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, बोट वोट चल रही है, और हमने जो कल किया था वो सब भी चला रहे हैं, तो मस्त जगह है। एंड अब हम लोग जाएंगे, देखो लोकेश भी उठ गया, तो हम लोग जाएंगे द दुबई मॉल, चलो देखते हैं, गुची एलवी डियोर देखते हैं आज क्या क्या कपड़े लेना है, अभी गुची एलवी डियोर सब खरीद डालूंगा आज, फाड़ देंगे पता है बाप कौन है भाई, गुची एलवी लेने वाला है, गुची एलवी सब ले लेंगे, टी शर्ट पहनी 50,000 कितने का करूंगा, चलो देखते हैं आज ये क्या क्या खरीदता है भाई। वैसे मुझे भी कुछ खरीदना है बट अभी नहीं बताऊंगा, अगर हुआ तो बताऊंगा। रोलेक्स खरीदना है, एक एक मिलियन की है भाई रोलेक्स, रोलेक्स एक मिलियन की नहीं है, 50-60 लाख की है बस, 50-60 लाख देखते हैं गाइस क्या लेते हैं आज। ओके गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई मॉल, एंड अभी पहले जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए, कुछ खाया नहीं है सुबह से, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले चलते हैं फूड कोर्ट, वहाँ पर कुछ खाएंगे मस्त मस्त चीज़ें, एंड उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने। गाइस अपना अभी खाना आ चुका है, और हम लोग खा रहे हैं राजमा चावल, गोलगप्पे, चाट वगैरह, यहाँ पर दुबई में भी मिल जाता है, लाइन लगी हुई लंबी वाली एकदम, तो इसको खा रहे हैं राजमा चावल को, और टेस्टी है, मतलब मेरे को लगा था उतना अच्छा टेस्ट नहीं होगा बट ठीक है टेस्टी है, तो इसको खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोग। यहाँ पर मैंने ये गुची का बैग ले लिया है, और बहुत सही लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा गुची स्टोर भाई, एकदम मस्त लग रहा है, गुची का जैकेट, गुची के जूते, एंड मैंने लिया आज एक बैग, ये बैग लिया है, बहुत मस्त लग रहा है, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है भाई, मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था ऐसा बैग, एंड वॉचेस वगैरह भी है यहाँ पर, चेन्स वगैरह है, तो अभी तो इसको लेते हैं, बताता हूँ आपको रेट क्या है इसका थोड़ी देर में।
गाइस यहाँ पर आप लोग जैकेट्स देख सकते हो, ये वाला जैकेट आप लोग देख रहे हो इसकी कीमत 3.5-4 लाख रुपए है, एंड वो मेरे को अच्छा लगा था, वो वाला है 1 लाख। फिर कितने का है ये? 58,000 रुपए का है। 58,000 दिरहम? हाँ भाई, 58,000 AED to INR करके देख लेना, 30-32 लाख रुपए का जैकेट है ये, देख लो एक बार। तो गाइस अभी हम लोगों ने गुच्ची का बैग तो ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं वर्जिन स्टोर में सनी के लिए कुछ चीजें लेने, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। तो चलो, कुछ नहीं देगा वो सनी तेरे को। तो चलो अब लेते हैं उसके लिए भी कुछ चीजें जो उसने मेरे को बोली है। तो जैसे अभी हम लोग आए वर्जिन स्टोर के अंदर, एंड मैंने सनी के लिए कुछ चीजें खरीदी इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसको कीबोर्ड माउस वगैरह बहुत चीजें चाहिए थी, तो सब चीजें खरीद ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मस्त मस्त चीजें, एक्शन फिगर्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या ही मस्त मस्त एक्शन फिगर्स है, और उसका रेट देखो, वो स्पेसशिप टाइप देख रहे हो 1749 दिरहम्स। तो आप लोग कन्वर्ट कर लेना, रेट देख लेना क्या क्या रेट है भाई, बहुत महंगे ये लोग यार, इतने मतलब छोटे छोटे से बहुत महंगे हैं। और गाइस लास्ट टाइम मैंने मस्टैंग यहाँ से खरीदी थी, एक वाइट कलर की मस्टैंग, ये अभी भी यहीं पड़ी हुई है, ये ख़राब है, टूटी हुई है, हम लोग इसको खरीदने वाले थे लास्ट टाइम, लेकिन ये ख़राब है, यहाँ पर मैकलैरन पड़ी हुई है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा गुची का बैग आ चुका है, हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अनबॉक्स करते हैं, अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं किया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पैकेजिंग है, ग्रीन कलर का इनका गुची का जो ये रहता है बैग, इसको रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पर गुची का एकदम मस्त वाला बॉक्स है, एंड रिबन टाइप भी है गुची का। तो ये मेरा फर्स्ट गुची आइटम है, मैंने अभी तक कुछ भी गुची का खरीदा नहीं था, लोकेश से इन्फ्लुएंस होके हमने भी सोचा क्यों ना कुछ हम भी गुची खरीदे ले। तो ये वैसे मेरे को काफी पसंद था। तो अभी यहाँ पर अपने को बस इसका रिबन इस तरीके से ऐसे हटाना है, एंड ये खुल गया और ये निकल गया, कुछ ऐसा बॉक्स है, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है यार, मेरे को लगा नहीं था इतनी मस्त देंगे, बट काफी मस्त है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कुछ खुलेगा, ऐसे उठाते हैं एंड यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं हमारा बैग, काफी अच्छी और प्यारी पैकेजिंग है, एंड इसको रख लेते हैं साइड में ऐसे, एंड ये हटा देते हैं। चलो आ जाओ इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ रैपर है, इसको हम लोग हटाएंगे, टेप लगी हुई है। ओके, तो यहाँ पर गुची की ब्रांडिंग दी हुई है, मस्त सा एक क्लोथ है उसके अंदर है। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करके खोलेंगे धीरे 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 धीरे। ओके, शायद ये भी रिबन है, हाँ रिबन टाइप वैसे खुल गया। ओके, यहाँ से खुलेगा, चलो ये खुल गया, एंड इसके अंदर है हमारा गुची बैग, वाओ नाइस। तो ये है यहाँ पर, इसको हम लोग हटा देते हैं इस तरीके से, एंड ओके ओके, गुची 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 गुची, और ये है कुछ अपना बैग, इसके अंदर देख लेते हैं क्या पता इसमें। तो ये है गाइस अपना गुची का बैग, देख सकते हो आप लोग, साइड बैग है, एंड इसके अंदर ये चेन है अपनी, एंड इसके अंदर मटेरियल डाला हुआ इन्होंने बहुत सारा, ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं कुछ ऐसा। ओके, इसके अंदर कुछ और भी है, वाह गुची ने कुछ और भी डाल के रखा है इसके अंदर, ये कुछ चीज़ें हैं पता नहीं किस लिए दी है, ये तो हम पढ़ने वाले नहीं है, तो इसको साइड में रखते हैं। एंड यही है कुछ बैग, मैं आपको एक बार लगा के भी दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो ये अपना बैग है, एंड ये लग चुका है ऐसे, ये मुझे बहुत पसंद था, एंड आ चुका है हमारे पास। तो कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके बताना, एंड इसका प्राइस जो है वो है 90,000, और आप लोग बताओ वर्थ इट है या फिर नहीं है, मतलब पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ। बट गुची है तो यार महंगा तो होगा ही, 90,000 रुपए का, बट ठीक है यार, मजा आ गया, सेटिस्फेक्शन मिल गई, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम फील देता है ये जो भी है, ये चीज सब चीज प्रीमियम फील देती है। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोग। तो गाइस अभी हम लोग आए टॉप गोल्फ, एंड आज हम लोग गोल्फ वगैरह खेलेंगे, अभी कुछ खाना पीना करेंगे, एंड आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, कल सुबह अपने को निकलना है वापस इंडिया के लिए, 10-11 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 12-12:30 बजे की फ्लाइट है, तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। बाकी मैंने सामान कुछ पैक यहाँ पर कर लिया है अपना,
और कुछ चीज़ें बची हैं वो कि बाकी मैं सुबह उठ के कर लूँगा। तो मेरे को बस ये ब्लॉग एडिट मैंने कर दिया था, बस थोड़ा सा बचा है एंडिंग, इसको एडिट करके मैं सीधा अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग सुबह 7 बजे ये ब्लॉग देख पाओ। एंड लाइक कर दो इस ब्लॉग को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। 1.1 मिलियन होने वाले, सब लोग सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब लोग जाओ एंड फॉलो कर दो। मिलता हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।